साइड में रास्ता छोड़ दो, साइड में, साइड में, साइड में, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं। तीन तारीख से लेके 10 तारीख तक इन्वेस्टिगेशन किया। ये पूरे 7 दिन में जो है वो पूरा चेन हमने ढूंढ निकाला है, इसको कहाँ लेके गए थे, कैसे लेके गए थे, उसका पर्पस क्या था और वो लेके जाने में उनका क्या एग्जैक्टली उनका रोल क्या था। उसमें जो है 6 एक्यूज हमने अरेस्ट किए और जो 6 एक्यूज है उनको 9 तारीख को, 10 तारीख को और 11 तारीख को ऐसे 3 दिन में हमने अरेस्ट किए और उसमें 15 तारीख तक हमको पुलिस कस्टडी मिली है। और वो जो लेडी है वो लेडी को मालेगांव, उसके बाद सूरत और राजस्थान, राजस्थान यहाँ लेके गए थे, वहीं से हमने उसको छुड़ा लिया है। और वो लेडी जो है वो अपने घर में जो है हमने वापस लाने का पूरा जो एफर्ट है वो एफर्ट कुरार पुलिस स्टेशन, सीनियर पीआई, उनकी पूरी टीम, एपीआई घरगे जाधव और बाकी सब कर्मचारी, उन्होंने सब ने बहुत अच्छा काम किया है। किडनैप करने का एग्जैक्ट रीज़न ऐसा है कि पहले इसको काम चाहिए था और उन्होंने काम का उसको आमिष दिखाया कि हम तुझे काम देंगे, 1 महीने का कैटरिंग का काम है। बट उन्होंने जो है वो उसको किडनैप करने का, इसमें जो एक कविता नाम की एक जो लेडी है और एक लेडी है कविता नाम की, वो कविता नाम की लेडी, उसने अभी तक ऐसे बहुत सारे लेडी या लड़कियों को उन्होंने ऐसा किया है ऐसा हमको पता चल रहा है, अभी उसका इन्वेस्टिगेशन बाकी है। वो सूरत में रहती है और वहाँ पे जो है वो उसने बहुत सारी लेडियों को ऐसा लड़कियों को या फिर लेडीज़ को ऐसा उन्होंने उसने किसी और एजेंट्स के थ्रू वहाँ पर बुला के कहीं और जगह जाके बेचना, कहीं और जगह जाके उनकी शादी लगाना जोर ज़बरदस्ती, या फिर कोई और गलत बिजनेस में उनको डालना, ऐसा उसका मोटिव यहाँ पे प्राइम ऑफिसियम को लगता है। बेसिक पर्पस था, वो बेसिक पर्पस जो मैंने बताया उसमें से पहले तो है वो 1,60,000 में उसको बेचा गया था। 1,60,000 में से जो है वो 70,000 यहाँ की जो लेडी है कुसुम करके उसने 70,000 रुपीज़ लिए थे और 90,000 में से कविता के पास 50,000 है और 20,000 जो बीच में जो दो लोग थे, एक प्रवीण करके एक है और एक जो है वो कृष्णा करके है, तो ये दोनों के पास 20,000 रुपये उन दोनों ने लिए थे। इस तरह की और कितनी घटनाएं हैं, बट इसमें पता चलता है कि ये जो कविता नाम की लेडी है इसी इसमें इन्वॉल्व है, तो उसका आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा या फिर उसके पीछे कोई और ऑफेंस उसके खिलाफ है क्या, उसके बारे में हम देखेंगे।